फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे राजस्थानी दाल बाफले। मैंने राजस्थानी दाल बाफले की रेसिपी पहले भी पोस्ट की है, आप उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। पर आज हम बनाएंगे तवे में बाफले। ये बाफले बहुत ही हेल्दी बनते हैं और बहुत ही कम तेल में बन जाते हैं। ये उतने ही स्वादिष्ट होते हैं जितने हम तेल में फ्राई करते हैं, वो बाफले होते हैं। सो चलिए बनाते हैं तवे पे बने बाफले और दाल। फ्रेंड्स, दाल बाफले में दाल बनाने के लिए हमको इन सब चीजों की जरूरत है। यहाँ पे मैंने लिए मूंग दाल, यहाँ पे मैंने लिए चना दाल, हम दोनों को एक बराबर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिए जीरा, तेज पत्ता और दालचीनी चॉप्ड। यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, और प्याज का यहाँ पे मैंने पेस्ट भी बना लिया है। टमाटो का पेस्ट, हरा धनिया इसको मैंने बारीक काट लिया है, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक पाउडर, धनिया पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और स्लाइस नींबू लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है हींग। फ्रेंड्स, तवे पे बाफले बनाने के लिए हमको इन सब चीजों की जरूरत है। यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम आटा, 100 ग्राम यहाँ पे मैंने लिया है सूजी जिसको हम रवा कहते हैं, दही लिया है यहाँ पे मैंने 1 कप करीबन 100 ग्राम, और यहाँ पे मैंने लिया है जीरा और अजवाइन 1 छोटी चम्मच, यहाँ पे मैंने ली है बेकिंग सोडा की, नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा कप तेल का। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी दाल। फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे मैं चना दाल को डाल देती हूँ एक बड़े बोल में, और इसी में मैं डाल देती हूँ मूंग दाल को, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इनको धो लेती हूँ अच्छे से। इसको यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से 2-3 बारी वॉश किया है, और अब हम इसको कुकर में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, इसमें मैं दाल डाल देती हूँ जो मैंने अभी वॉश की थी। दाल में हम पानी डाल देंगे करीबन 1 कप, और इसमें मैं डाल दूंगी नमक आधा से थोड़ा छोटा चम्मच, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे और कुकर को अच्छे से बंद कर लेंगे। गैस को मैं जला देती हूँ और इसमें हम रख लेते हैं कुकर। 1 सीटी के बाद हम 30 मिनट इसको अच्छे से सिमर होने देंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें सिम में और हाई में दोनों में सीटी आ गई, तो गैस को मैं कर लेती हूँ बंद और दाल को मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल हमारी बहुत ही अच्छे से गल गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई, गैस को मैं जला देती हूँ और कढ़ाई को हम थोड़ा हीटअप होने देते हैं। कढ़ाई हमारी यहाँ पे हीटअप हो चुकी, तो इसमें मैं डालूंगी तेल, करीबन 2 बड़े चम्मच डालेंगे तेल, और तेल को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो गया, तो मैं इसमें डालूंगी तेज पत्ते और दालचीनी। अब मैं इसमें डालूंगी हींग, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसमें डाल देते हैं जीरा, जीरा को हम स्प्लटर होने देंगे अच्छे से। जीरा हमारे यहाँ पे अच्छे से स्प्लटर हो गया, तो अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी प्याज का पेस्ट, और इसको भी हम अच्छे से भुन लेते हैं। प्याज जब तक हमारे अच्छे से गोल्डन फ्राई नहीं हो जाए, तब तक हम इसको अच्छे से भुनेंगे। फ्रेंड्स, प्याज हमारे गोल्डन फ्राई हो गए, तो अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर का पेस्ट, और टमाटर को भी हम इसमें अच्छे से भुन लेते हैं। टमाटर यहाँ पे अच्छे से भुन चुके हैं, तब मैं इसमें डालूंगी मसाले। नमक कम डालेंगे क्योंकि मैंने दाल में भी डाला है, आधा चम्मच डाल रही हूँ। आधा ही चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे से स्टर कर लेंगे और इन सबको भी अच्छे से पका लेंगे। मसालों ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो अब मैं इसमें डालूंगी दाल जो मैंने अभी पकाई थी, इसको डाल देते हैं।
और इसको मैं अच्छे से स्टर कर लूंगी। दाल बाफने के लिए जो दाल बनती है वो ज्यादातर गाढ़ी होती है, इसलिए पानी हम कम डालेंगे। 1 कप पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। और अब हम इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, दाल में हमारा बहुत अच्छा उबाल आ गया है, तो अब मैं इसमें निचोड़ देती हूँ नींबू, जिससे इसमें थोड़ा खटास आए अच्छी। और इसको हम स्टर कर देते हैं और गैस को मैं कर देती हूँ बंद। और इसको मैं निकाल लूंगी एक सर्विंग बोल में। फ्रेंड्स, दाल हमारी अच्छे से बन चुकी है, बहुत ही चटपटी और तीखी दाल बनी है। तो अब मैं बनाऊंगी बाफले। तो बाफले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने वेसल ले लिया है, ये एल्युमिनियम का वेसल है। और अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और अब मैं गैस को जला दूंगी और इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आएगा, तभी हम अपने बाफले डालेंगे। तो जब तक हम बना लेते हैं बाफले का डो। फ्रेंड्स, बाफले के लिए डो के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 30 ग्राम आटा। इसमें मैं डालूंगी 100 ग्राम सूजी, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच डाल रही हूं मैं। मोयन डालेंगे 4 बड़े चम्मच के। और अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा और अब हम इसमें डालेंगे दही। दही पहले थोड़ा डालेंगे और फिर इसका डो बनाएंगे, और फिर कम लगेगा तो थोड़ा और डाल लेंगे। तो हाथों से इसका डो तैयार कर लेते हैं। जहां पे भी हमको दही कम लगेगा तो हम इसमें और भी एड ऑन कर सकते हैं, पहले से ज्यादा दही एड ऑन नहीं करेंगे। तो अभी मुझे थोड़ा ये सूखा लग रहा है तो थोड़ा और दही एड ऑन कर लेती हूँ इसमें। तो करीबन 100 ग्राम के करीब मैंने सारा दही हमारा ऐड ऑन कर लिया। फ्रेंड्स, अब हमारा डो एकदम तैयार है, तो अब मैं बना लूंगी इसके बॉल्स। फ्रेंड्स, बॉल्स में बनाने के लिए करीबन इतना हम लेंगे डो, और अब हम इसको फ्लैट कर लेंगे इस तरह, और इसको साइड में रख लेती हूँ। और इसी तरह हम सारा करेंगे। बेकिंग सोडा हमने मिलाया हुआ है, इसलिए हम जल्दी जल्दी ये काम करेंगे। और फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। ये बाफले बहुत ही कम तेल में बन जाते हैं। मैंने ट्रेडिशनल बाफले भी बनाए हैं, उसका लिंक भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। पर ये बाफले बहुत हेल्दी रहते हैं, इसमें तेल का यूज बहुत ही कम होता है, इसलिए आप इसको भी ट्राई करना। फ्रेंड्स, अब हमारे सारे बाफले एकदम तैयार है, तो अब मैं इसको एकदम गर्म पानी में डालूंगी। पानी में जब इतना उबाल आएगा, जब बबल्स निकलने लगेंगे, तभी हम हमारे बाफले डालेंगे। तब मैं इसमें हमारे बाफले डाल देती हूँ जो अभी मैंने प्रिपेयर किए थे। एक साथ सारे डाल देंगे क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा मिलाया है इसलिए, और करीबन 20 मिनट बाद ये एकदम तैयार हो जाएंगे। और बीच बीच में इसको स्टर भी करते रहेंगे ताकि ये चिपके ना। तो अब 20 मिनट होने का वेट करते हैं, तब हमारे बाफले एकदम तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बीच बीच में इसको हिलाएंगे जरूर ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। फ्रेंड्स, ये अच्छे से हो गया है, तो इसको मैं बंद कर लेती हूँ और इसको मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। बाफले हमारे एकदम तैयार है, अब हम इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, बाफले को फ्राई करने के लिए यहाँ पे गैस को जला देती हूँ। हम इसको तवे में बनाएंगे, इसलिए तवा यहाँ पे रख लेती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी बनेगी, बहुत ही कम ऑयल में बनेगी। अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ, करीबन 5 चम्मच तेल डालेंगे, और इसको हम पूरे इसमें स्प्रेड कर देते हैं तवे में, और तेल को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया, तब हम इसमें बाफले रख देते हैं हमारे। अब मैं इसको एक तरफ से होने देती हूँ और फिर मैं इसको पलट लूंगी एक एक करके। साइड से करीबन 5 मिनट तक अच्छे से सिक चुके हैं, तब मैं इसको पलट लेती हूँ दूसरे साइड पे। और इसी तरह मैं सारे पलट लूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक साइड से सिक रहा है, और दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे से सेक लेंगे।
और इसी तरह मैं अपने सारे पलट लेती हूँ। फ्रेंड्स ये अच्छे से हो चुके हैं तो मैं इसको निकाल लेती हूँ सर्विंग प्लेट में। हमारे दाल बाफले एकदम तैयार है। लास्ट में मैं दाल को गार्निश करूंगी चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स से। प्याज में इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो प्याज भी डाल देते हैं हम। और फ्रेंड्स अब हमारे तवे पे बने बाफले और दाल एकदम तैयार है। आप इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही हेल्दी बनती है। सो फ्रेंड्स देखा आपने हमारे तवे पे बाफले एकदम तैयार है, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी इस तरह से दाल बाफले की रेसिपी अपने घर में ट्राई करना हमेशा की तरह। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वापस मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।